गुड मॉर्निंग क्लास, माई नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 8। चैप्टर 8 का पार्ट 2 है जिसमें हमारी एक्सरसाइज चलेगी 8.2। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे अपनी बुक में देखें क्या लिखा है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन कितना है, 1,54,000 है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति है जिसकी जो सैलरी थी उसमें 10% जब उसे इंक्रीमेंट हुआ तो उसका जो नया वेतन है वो इतना आ गया, तो हमें बताना उसका पुराना वेतन कितना उसे मिलता था पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना मूल वेतन। मूल वेतन यानी पुराना वेतन कितना, 100 मान लीजिए, ठीक है। अब वेतन में कितनी देखिए रुपीज़ है, तो रुपीज़ को साइन जरूर लगाइए। वेतन में वृद्धि कितनी हुई, 10%। तो वेतन में वृद्धि 100 का 10% कितना आ जाएगा, 100 × 10/100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया, 10। क्लियर है। अब यहाँ भी आप रुपीज़ लिखिए, वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10 रुपये की। अगर उसका वेतन कितना था, 100 रुपये था, तो इसलिए नया वेतन कितना हो गया, इसलिए नया वेतन कितना हो गया, ऐड कर दीजिए ₹100 में प्लस के ₹10। नया वेतन इतना है, ठीक है। नया वेतन ये कब है, जब मूल वेतन कितना था, 100 रुपये, ठीक है। माना या फिर ये देखिए, यदि नया वेतन बराबर 1 रुपीज़ हो, जब मूल वेतन क्या हो जाएगा, 100/1। क्लियर। यहाँ पे रुपीज़ का साइन हमें दे रखा है। नया वेतन कितना है उसका, नया वेतन बराबर 1,54,000। तब मूल वेतन बराबर 1,54,000 डिवाइड कर दीजिए 10 से 10, 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 11 1 11, 4 बचा, 11 4 44, 20 डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आया, 1,40,000, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्या है, एक आदमी है जिसकी वेतन में 10% का इंक्रीमेंट हुआ और उसका वेतन कितना हो गया, 1,54,000। हमें बताना है कि 10% का इंक्रीमेंट कब हुआ, मतलब कि उसका वेतन कितना था उस समय। तो हमने क्या करा, उसका मूल वेतन मान लिया 100 रुपीज़। इसे आप एक्स भी मान के कर सकते हो, लेकिन हमने 100 माना है। वेतन में कितनी वृद्धि हुई, 10%। 10 किसका परसेंट है, मूल वेतन का। मूल वेतन हमने कितना माना है, 100। तो हमने 100 का 10% निकाला, हमारा कितना आया, 10। नया वेतन कितना हो गया,
जो हमारा मूल वेतन था और जितनी वृद्धि हुई दोनों को प्लस करके, क्लियर है? वो हमने किया, 110 आ गया यानी 110 आ गया, और मूल वेतन कितना था? 100 रुपीज़ जो हमने माना है, ठीक। नया वेतन कितना माना? 1 रुपये है, तो मूल वेतन इसके अपॉन में चला गया, अपॉन करेंगे और हमें पता है नया वेतन कितना है इतना, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बुक में देखिए। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो सबसे पहले रविवार के दिन गए लोगों की संख्या बराबर कितनी है? 845 सोमवार के दिन गए लोगों की संख्या कितनी है? 169। सोमवार के दिन कम हुए लोगों की संख्या, पहले संख्या निकालेंगे तभी हमारा प्रतिशत निकल पाएगा, तो संख्या निकालने के लिए माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद कितना आया? 15 में 9 गए 6, 3 13 में से 6 माइनस कीजिए तो कितना बचा? 7, 7 में से बन गया 6, ठीक है। अब प्रतिशत में कमी निकालनी है, प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए ये जितने लोगों की संख्या कम है, 676 अपॉन रविवार में आए लोगों की संख्या और इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? 100 से, तो 100 से करते हैं तो इसे 5 से काट लीजिए, 50, और यहाँ पे क्या जाएगा? 5 × 5, 5 × 6 = 30, 149 को आप जब डिवाइड करोगे, इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 80%। आप इसे इसको भी डिवाइड कर सकते हो, आप ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं, 169 डिवाइडेड बाय 678, मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, चलिए 0 ले लेते हैं, 5 की मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे या पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 5 × 5 37 पानी बनता है, 0 × 8 = 40, 100। देखिए हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? 6, 6, 7, 6, यही है ना, ये हमारी मल्टीप्लाई गलत हो गई थी, 0, 5, 36। टू से करेंगे
तो क्या आ गया, सॉरी ठीक है 200। देखिए हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर रखी है जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। यहाँ हमने 5 से डिवाइड किया लेकिन 100 को हमने 2 से ही डिवाइड कर दिया, इसे भी 5 से डिवाइड कीजिए। 5 2 10 20 आना चाहिए था यहाँ लेकिन हमने लिख दिया था 50, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। चलिए अब करते हैं, एट से मल्टीप्लाई कीजिए, 80% ठीक है, आपको डिवाइड करके मैंने दिखा दिया है। चलिए इसमें छोटी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी लिखने में, आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? बोला गया है एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उसे 16% लाभ पर बेचता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या वस्तु की संख्या कितनी है, अस्सी, और वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 और लाभ कितना हुआ है, 60%। तो अब जब क्रय मूल्य कितना था, 100 माना, क्योंकि क्रय मूल्य हमें क्या निकालना है तब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 प्लस 16, क्योंकि 100 का 16% निकालेंगे 16 आएगा, बराबर 116। जब क्रय मूल्य है 1 = 1 रुपीस तब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 / 116। और जब क्रय मूल्य बराबर ₹2400 तब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 / 116 into 2400। यही है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो ऊपर आएगा क्रय मूल्य से, 116/100 00 से 00 गई, और अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2784 रुपीस। ठीक है, आगे का यहाँ कर रही हूँ, दोबारा से समझिए।
वस्तुओं की संख्या 80 है, वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपीज़ है और लाभ 60% है। मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपीज़ है, 100 का क्रय मूल्य का हमने क्या निकाला, परसेंट निकाला, तो विक्रय मूल्य हमारा 116 आ गया। अब जब हमारा क्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, 80 वस्तुओं का, अतः 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है, सॉरी विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा ये इसके आगे लिखना है आपको, तो एक कितना हो जाएगा इसे डिवाइड कर दीजिए 2784 को 80 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ 8 है तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, रुपीज़ का साइन लगेगा, रुपीज़ 34 रुपीज़, 8 तो नहीं लिख सकते, 80 पैसे हम लिख सकते हैं, तो हमने क्या करा 80 पैसे लिख दिया। इसको मैं रफ कर देती हूँ और यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए क्या लिखा है। एक वस्तु का मूल्य 15,500 था, 450 उसकी मरम्मत पर खर्च किए थे, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो चलिए एक वस्तु का मूल्य यानी वस्तु का मूल्य बराबर 00 वस्तु पर खर्च 450, ठीक है, और देखिए वस्तु पर वस्तु का टोटल मूल्य कितना हो गया, वस्तु का कुल मूल्य कितना हो गया प्लस 450, ऐड कर दीजिए 0.5955, ठीक है।
लाभ बराबर कितना है? 15%। तो चलिए माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपीस, तब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 + 15 बराबर 115। अब करना क्या है हमें, जब वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये, तब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 115/100, जब वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 15950, तब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 115/100 इंटू 10 से 10 गई। आप देखिए इसे सॉल्व कीजिए, देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप इसे सॉल्व जो भी करके आएगा पहले इसके इसमें मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड कर देना, ठीक है? जो भी सॉल्व करके आएगा वही इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।